स्वागत है आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 का नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं गुजरात की कुछ ट्राइब्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे देवी पूजक ट्राइब को। देवी पूजक ट्राइब जो है गुजरात की डिनोटिफाइड ट्राइब है, जिसे वापस एक ट्राइब का स्टेटस दिया गया था। देन ये जो ट्राइब है पूरे स्टेट में ऑलमोस्ट सभी जगहों पे है। एंड देन इनका जो प्रोडक्शन और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सोसाइटी में इनका स्टेटस जो है और जो स्टैंडर्ड जो है लो है। क्यों? क्योंकि इसमें एजुकेशन जो है उसकी बहुत कमी रही है, लैक ऑफ अवेयरनेस, देन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, सम एविल प्रैक्टिसेस यानी बुरी प्रथाएं, ठीक है, आर स्टिल सीन इन सम प्लेसेस। एज ए रिजल्ट पॉवर्टी इज सीन इन द सोसाइटी। ओके, तो इन सब वजहों से रीजन क्या क्या हो गए, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, इनकी वजह से आज भी ये जो सोसाइटी है उसके अंदर इस जो ट्राइब की जो सिचुएशन है वो कैसी है, गरीबी वाली है, ठीक है। कास्ट ट्रिब्यूनल जो है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसा रोल प्ले करता है, एक आर्बिट्रर का रोल प्ले करता है इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स इन दिस ट्राइब्स। आर्बिट्रर कौन होता है, जो किन्हीं दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। एज इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरनल डिस्प्यूट, देयर प्रॉब्लम्स आर रेयरली सीन इन द कोर्ट्स, और इस वजह से इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो है कोर्ट तक नहीं आती, वो सेटल कौन कर देती है, कास्ट ट्रिब्यूनल कर देती है। In recent time, as the standard of education has increased in this society, reforms have taken place in the economic and social aspect. लेकिन आज के टाइम में क्या है, इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनका इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस दोनों बढ़ चुका है। फिर हम सेकंड कास्ट देखेंगे, वंजारा कास्ट। वंजारा कास्ट जो है, पीपल इन्वॉल्व इन वंजर आर नोन एज वंजारा, यानी वंजर के जो पीपल हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वंजारा बोला जाता है। वंजारा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द नोमेडिक ट्राइब, और इन ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है नोमेडिक ट्राइब्स में। इट हैज़ बीन ए वेल नोन नेम इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर सिंस एंशियंट टाइम, और एंशियंट टाइम से ही भारत का जो सामाजिक ढांचा है उसके अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मोस्ट ऑफ द मर्चेंट वर एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्चेंडाइज कमर्शियल गुड, और ये लोग जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते आए हैं और अभी भी ये लोग ट्रांसपोर्टाइजेशन का ही काम कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ देयर कमर्शियल गुड वॉज नोन एज वंजर तंदू, और इनके जो कलेक्शन जो होता है कमर्शियल गुड्स का उसे वंजर बोला जाता है, जिन्हें दूसरी लैंग्वेज में तांडू बोला जाता है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड देम टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड गुड्स टू मार्केट ऑफ दिल्ली, और अलाउद्दीन खिलजी जो है इन वंजारों के साथ क्या करता था, ट्रांसपोर्टेशन करवाता था ग्रेन्स और गुड्स का, कहाँ पे, दिल्ली के मार्केट में। एम्परर जहांगीर हैज़ ऑल्सो मैंशनड अबाउट कैरिंग ऑफ ग्रेन्स एंड ऑक्सन बाय वंजारा, तो जहांगीर के टाइम में भी ग्रेन्स यानी धान का और ऑक्सन यानी बैलों का जो ट्रेड था वंजारों के थ्रू दिखाया गया है, उसका मेंशन हमें उसकी बुक्स में मिलता है। स्पेशल थिंग्स अबाउट वंजाराज इज दैट ड्यूरिंग द वार मर्चेंट्स यूज टू ब्रिंग ग्रेन्स एंड गुड्स फॉर द मुगल आर्मी बाय ऑक्स कार्ट, और ये जो वंजारा है वो वॉर्स के दौरान मुगल आर्मी के लिए ग्रेन्स लाते थे अपनी बैलगाड़ियों पर। इन ए वे वंजारा वर द लिंक बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, और वंजारा जो थे एक तरीके से भारत को पूरी दुनिया से जोड़ते थे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे और सेंट्रल एशिया में इंडिया के जो गुड्स हैं वो इन्हीं के थ्रू जाते थे। दे आर लोकेटेड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और इन्हें जो ये जो है ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रहते थे। दिस सोसाइटी डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर द ब्रिटिश रूल, और ये जो बंजाराओं की जो कास्ट है ये डिसइंटीग्रेट हो गई या टूट गई या अलग अलग हो गई आफ्टर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के बाद। पुअर वंजाराज बिकेम द ट्रेडर्स ऑफ बेंगल्स, कॉम्स एटसेट्रा, और ये जो वंजारे हैं ये या तो बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, अब ये खाली चूड़ी कंघी ये सब बेच के और छोटा मोटा कोई मजदूरी का काम करके अपना जीवन बिता रहे हैं। सम वर इन्वॉल्व्ड इन क्ले वर्क ऑल्सो, और कुछ एक जो है मिट्टी का काम जो है उसमें लग गए हैं। ऑल्दो दे डेवलप्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड अदर स्कीम्स,
लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद और ड्यू टू डिफरेंट स्कीम्स ब्रॉट बाय इंडियन गवर्नमेंट, इन लोगों का भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो चुका है। अब हम अदर नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स पढ़ेंगे गुजरात की, जिसमें हम पढ़ेंगे मलधारी, मलधारी ट्राइब जो कहाँ रहती है, गिर में रहती है, और बर्दा एलिच एंड डेजर्ट रीजन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये लोग रहते हैं गिर, बर्दा, एलिच और कच्छ रीजन जो है गुजरात का वहाँ पे, और इन्हें नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है। दे लिव इन नेस इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर एंड बर्दा हिल्स, बर्दा की पहाड़ियों में और गिर के जंगलों में ये लोग रहते हैं और एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं। रबारीज ऑफ कच्छ माइग्रेट फ्रॉम कच्छ टू सेंट्रल गुजरात इन समर, जो कच्छ के जो रेबारी जो हैं, रेबारी क्या है, एक ट्राइब है, ये लोग कच्छ से सेंट्रल गुजरात में माइग्रेट कर जाते हैं गर्मियों के समय में, ठीक है। अलोंग विद देम दे टेक ए लार्ज नंबर ऑफ कैमल्स, जब वो मूव करते हैं सेंट्रल गुजरात की तरफ, वो अकेले नहीं आते, उनके कैमल, शीप, गोट्स और ये साथ में आते हैं। वुमन एंड मैन स्पिन वूल ऑफ शीप एंड हेयर ऑफ गोट एंड देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन इट, और ये लोग क्या करते हैं, शीप और गोट से जो उनके हेयर से जो वूल निकाला जाता है उसी से ही अपना लाइवलीहुड जो है कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नट ट्राइब। नट ट्राइब जो है वो देखी जाती है गुजरात के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी ऑफन सी नट्स ऑफ एक्रोबेट्स जगलिंग ऑन रोप्स ऑन द रोड्स इन द मार्केट, हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, रोड जो रोड शो होते हैं जिसमें बच्चे को देखते हैं हम, या फिर कुछ आदमी जो होते हैं रस्सी पे चल के दिखाते हैं, थोड़ा नाटक जैसा दिखाते हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये जो उनके परफॉर्मिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और ये डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करते हैं। दे नो मैनी आर्ट्स ऑफ फिजिकल स्किल्स, और उनकी जो फिजिकल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। दे एंटरटेन पीपल बाय स्किल्स लाइक परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स, या तो वो जादू दिखाते हैं, या वो रस्सी पे चल के दिखाते हैं, या वो डंडी पे चल के दिखाते हैं, वॉकिंग ऑन ए स्टिक। बट बींग अनएजुकेटेड एंड पुअर दे स्टे अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, लेकिन ये अभी तक एजुकेटेड नहीं है और गरीब भी है, इस वजह से क्या है, जो सोसाइटी इनकी डेवलप कर रही है इनसे ये थोड़े अलग थलग हैं। कॉन्स्टेंट माइग्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन एन ऑब्स्टेकल इन देयर डेवलपमेंट, और कॉन्स्टेंट माइग्रेशन मीन्स एक जगह पर ये टिक कर रहते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसकी वजह से ये जो कारण है, ये इनके रास्ते का एक जो मेन पत्थर है ये माइग्रेशन ही है कि ये लोग अभी तक डेवलप नहीं हो पाए। नाउ इवन देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हैज़ कम टू एन एंड एंड दे हैव स्टार्टेड ब्लेंडिंग इन टू मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, लेकिन इन दिनों में क्या हुआ, इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन लाए हैं या गवर्नमेंट ने जो नए प्लान्स और स्कीम्स लाए हैं उनके थ्रू इन्हें भी एजुकेटेड किया जा रहा है, और ये जो है अब ये जो इनकी ट्रेडिशनल स्किल्स थी ऑक्यूपेशन की उसको छोड़ के थोड़े एजुकेटेड हो रहे हैं, और जो कंट्री की मेन स्ट्रीम है उसमें ये भी मिलने लगे हैं। मेन स्ट्रीम मतलब जहाँ लोग बढ़ रहे हैं उनसे ये मिलने जुलने लगे हैं। फिर है फिफ्थ ट्राइब कांगसिया एंड अदर्स, इसके अंदर हम कांगसिया ट्राइब्स और जो छोटी मोटी ट्राइब्स हैं गुजरात की उनको पढ़ेंगे। कांगसिया के अलावा है वेदवा, मदारी, दफेर एट्सेट्रा, तो ये जो नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं तो इनके बारे में अब हम देखते हैं। कांगसिया मोस्टली सेल्स कॉम्स एंड कॉस्मेटिक, तो बच्चों कॉम्स को है ना हिंदी में कांगसी या कांगसिया भी कहा जाता है, तो ये ट्राइब का जो नाम है उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इनका नाम जो है इनके जो काम से मैच हो रहा है। तो कांगसिया ट्राइब्स जो है मोस्टली कंगी या फिर कॉस्मेटिक जो मेकअप का सामान होता है छोटा बड़ा वो बेचते हैं। दे ऑल्सो लिव इन अनडेवलप्ड एनवायरमेंट ड्यू टू द माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इनके भी अनडेवलप्ड एनवायरमेंट का कारण इनका माइग्रेशन ही है और इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है वो भी है। देयर लाइफ स्टाइल ऑफ दीज कास्ट आर मोस्टली सीन इन द फॉर्म ऑफ कबीलाज, और इन लोगों की लाइफ स्टाइल्स जो है वो कबीलाज के फॉर्म में देखी जाती है, इनकी फैमिली जो होती है कबीला फॉर्म में होती है। इवन दो दे लिव इन फार ऑफ प्लेस देयर लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल्स आर सिमिलर, और ये देश के किसी भी कोने में रह रहे हो दूर रह रहे हो लेकिन इनकी लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल क्या है सिमिलर है। देयर डाइट ड्रेस आर ऑलमोस्ट सेम, इनकी ड्रेसिंग सेंस, इनका डाइट यानी इनका खाना पीना सब कैसा है जो बाकी कांगसिया जाति के लोग हैं उनसे मिलता जुलता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में माइग्रेट कर चुके हों, ठीक है। अब ये येलो बॉक्स में कुछ जानकारी दी है, नो दिस, इसको पढ़ते हैं। ऑल दो सम नोमैडिक एज वेल एज डिनोटिफाइड ट्राइब्स माइग्रेटेड रेगुलरली स्टिल देयर इंटरनल रिलेशन सर्वाइव्ड,
कितना भी ये माइग्रेट कर जाएं लेकिन इनके इंटरनल रिलेशनशिप जो हैं वो सर्वाइव करते हैं. ओके, ऑन एनी फिक्स्ड डे ऑफ द ईयर पीपल ऑफ दिस कास्ट वुड गैदर एंड एट डेजिग्नेटेड प्लेस. और इनका जो एक फिक्स दिन होता है साल में कि ये सारे लोग एक जगह पे मिलते हैं जहाँ इनका डिसाइड किया हुआ होता है. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट देयर रिलेशनशिप्स लाइक मैरिज वर डिसाइडेड. और इस टाइम पे क्या होता है, इनकी जो शादियां जो डिसाइड की गई होती है वो परफॉर्म की जाती है, एज वेल एज इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स लाइक समवंस डेथ या किसी की मौत हो गई या किसी का जन्म हुआ है, तो वो इसी टाइम पे ये एक दूसरे को बता पाते हैं. चेंज विद चेंजिंग टाइम. अब समय के साथ साथ इन लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंज आया है वो हमें देखना है. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू मर्ज सच ट्राइब्स इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू सम स्पेशल स्कीम्स प्लान्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स और प्लान्स लाए थे इनके अपलिफ्टमेंट के लिए. वो किस लिए लाए, ताकि ये भी जो भारत का जो एक एजुकेटेड सोसाइटी है या जो सब साथ मिल के रहते हैं हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर, तो ये लोग भी हमसे मिलजुल के रहे, ना कि अलग थलग जंगलों में रहे, एक जगह पे ना रह के भटकते रहें. इनके सेटलमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की है. An atmosphere for securing employment has been created by providing them facilities like education, health, sanitization और sanitation, housing, etc. और इनको employment देने के लिए, एक secure atmosphere देने के लिए government ने इनके लिए पढ़ाई का और medical facilities या sanitation facilities या इनके रहने की जो व्यवस्थाएँ की है. No longer we see वड़ी बाजनिया मदारी परफॉर्मिंग ट्रिक्स ऑन द रोड. और अब हम देख सकते हैं कि अब रोड शोज हमें कम ही देखने को मिलते हैं इन ट्राइबल कास्ट के, क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट ने मेन स्ट्रीम में मिला दिया है, इनको सेटल कर दिया है, इनको एजुकेटेड करने की कोशिश की जा रही है. द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू डेवलप देम एज मच एज पॉसिबल बाई एसोसिएटिंग देम विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट जो है इनको साइंस और टेक्नोलॉजी से भी रूबरू करवा रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ताकि ये लोग जो हैं और ज़्यादा एजुकेटेड हो सकें और ये जो ट्रिक्स करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं उसकी जगह ये अपने माइंड का यूज़ करें और अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाएं. बट देयर इज स्टिल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस. लेकिन आज भी बहुत सारे हिस्से देश के ऐसे हैं जिनमें ये जनजातियाँ कैसी है, अनएजुकेटेड है, अनअवेयर है. दिस सजेस्ट दैट स्पेशल एफर्ट्स आर नीडेड टू अपलिफ्टमेंट. इससे हमें पता चलता है कि हमें स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है इनको अपलिफ्ट करने के लिए. तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा जो है ख़त्म होता है. और भी मेरे फ्रेंड्स जो अगर किसी गुजरात के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड गुजरात बोर्ड की 6 से लेकर 10 तक की एसएस की बुक्स रेफर कर सकते हैं, और ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे. और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है. और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ वेरी सून. थैंक यू, बाय.